नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यों, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए स्ट्रेट लाइन। किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना सीखेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि जिस बिंदु पर वो लंब मिलेगा उस रेखा से, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किस प्रक्रिया से निकाल सकते हैं, इसको भी सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि किसी एक बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना हम लोग सीखेंगे। तो जैसे मान लिया ये एक रेखा है, और सपोज कीजिए कि इस पर जो लंब है, मान लिया वो अल्फा एंगल बनाता है और लंब इसका पी हो गया मान लिया। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, हमने पहले भी पढ़ी है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। अब मान लिया कि हमें जो लंब डालना था वो इस बिंदु से डालना है, एक्स डैस वाई डैस। तो एक काम करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो एक लाइन की इक्वेशन जो एक्स डैस से जा रही है, और इसके पैरेलल इसकी इक्वेशन एक्स डैस कॉस अल्फा प्लस वाई डैस साइन अल्फा बराबर पी डैस। तो ये इसका लंब हो गया। अब अगर हम तुलना करें तो हमारा जो इस बिंदु से इसके बीच की लंबाई है, वो लंब की लंबाई कौन सी हुई, इतनी हुई। इसको हम क्या कहेंगे, पी डैस माइनस पी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैस कॉस अल्फा प्लस वाई डैस साइन अल्फा माइनस पी। अब जरा इसको समझते हैं, ये हमारे लंब की लंबाई हो गई। अब हमारी इक्वेशन जो होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था कि किस तरह से एक रेखा को दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित कर दें। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसको हमने इस प्रकार से किया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो। तो ये हमारा बन जाता था कॉस अल्फा, ये बन जाता था साइन अल्फा, और ये बन गया था माइनस पी। तो ये कुछ इस तरह का बनना था ना, ये पहला पोर्शन जो था कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो पी था वो बन जाएगा माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं। तो ये लाइन क्या बन गई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी। और ये अगर एक्स डैस वाई डैस से जा रही है, अगर इसको आप तुलना करें और इसकी कंपेरिजन करें, तो ये क्या बन गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस नहीं सॉरी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस प्रकार से चेंज हुई है, माइनस पी बराबर जीरो। हालांकि ये पहले से हमने मानी थी, और अब हमने क्या करा था, जनरल फॉर्म को इस वाली फॉर्म में इस तरह से ट्रांसफर, जिसको कहते ना परिवर्तित करना, एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित करना सीखा था। अब इसको समझते हैं कि ये जो रेखा है, अगर ये एक्स डैस वाई डैस से जाए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स डैस कॉस अल्फा प्लस वाई डैस साइन अल्फा माइनस पी बराबर जीरो, इस तरह की होगी। अब इसकी तुलना इससे करें, ये क्या बन गया, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करने पे क्या मिल रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और अब इसकी तुलना यहाँ से भी करें, ये क्या बन गया, ए एक्स डैस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी वाई डैस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस सी अपॉन, इतना सी की जगह पर हम लोग चाहें तो माइनस पी भी लिख सकते, लेकिन फिलहाल नहीं लिखते। इसकी कंपेरिजन इससे करें, पी डैस माइनस पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब अगर इसको यहाँ से कंपेरिजन करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ए एक्स डैस बी वाई डैस प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो क्या बन गई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये तो पहली चीज थी। अब अगर मान लिया हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसका तरीका भी सीख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक हल्का सा आइडिया आपको देता हूँ मैं, जैसे मान लिया ये गिवन लाइन है सपोज, और इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, फिलहाल मैंने टेढ़ी बनाई है, हम इसको परपेंडिकुलर मानते हैं। तो ये लाइन सपोज x1 और y1 से जा रही है, ये हमारी गिवन लाइन होगी।
और माना ये इसको अल्फा बीटा पर मिलती है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको क्या कहेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके पॉइंट हमें निकालने हैं। तो मान लिया एल की इक्वेशन हमने यही मान ली कि एल की इक्वेशन मान ली वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये पॉइंट में अल्फा बीटा भी है तो क्या बन जाएगा, वाई की जगह पर रख देंगे बीटा एम अल्फा प्लस सी, सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप जो हमारा है वो क्या है, जो भी होगा एम गिवन है हमारे पास, इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई वन माइनस बीटा अपॉन एक्स वन माइनस अल्फा, और ये माइनस साइन आ जाएगा। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस वन। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो इस दो कंडीशन से एक कंडीशन ये बन गई, एक कंडीशन ये बन गई, इसमें क्या होंगे, आप सी गिवन होगा, यहाँ पर भी एम आपको गिवन होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो इनको सॉल्व करके क्या निकल जाएगा हमारे, ये कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, कौन से, अल्फा और बीटा, क्योंकि एक्स वन वाई वन भी गिवन होगा और बाकी सारी चीज़ें गिवन होंगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो चीज़ें समझ में आई होंगी, इसमें एक दो टॉपिक और हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। भूगोल कक्षा 9 अध्याय 3 अपवाह में आज भाग 2 है, जिसमें भारत में अपवाह तंत्र है, जिसमें हम भारत में बहने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमारे देश में हजारों नदियां हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से भारत में जो अपवाह तंत्र है, मुख्य नदियों को अगर देखें तो दो भागों में आते हैं, एक को हम कहते हैं हिमालय की नदियाँ, दूसरे को कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियों में मुख्य रूप से 3 नदियों का नाम आता है, एक गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो बच्चों सबसे आज हम अपने पवित्र नदी, जिसको हम राष्ट्रीय नदी भी घोषित की गई है, गंगा नदी के बारे में, इसके उद्गम से लेकर के जहाँ ये समुद्र में मिलती है वहाँ तक की इसकी यात्रा के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ गंगोत्री हिमनद यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर के निकट ही एक गोमुख स्थान है, गोमुख से भागीरथी का उद्गम होता है यानी कि निकलती है, और दूसरी इसके बाईं ओर से बच्चों एक भिलंगना नदी निकलती है। इन दोनों नदियों का संगम जो होता है बच्चों यहाँ टिहरी में होता है, यहाँ पर टिहरी बांध भी बनाया गया है। तो टिहरी बांध दो नदियों के भागीरथी और भिलंगना के संगम में है, ये भागीरथी आगे को फिर यहाँ से भागीरथी बड़ी नदी है इसकी सहायक हुई, तो ये इसी क्रम में आगे को बढ़ती है। और दूसरी तरफ बच्चों यहाँ सतोपंथ है, यहाँ मिलाम ग्लेशियर है, यहाँ से सतोपंथ से विष्णु गंगा निकलती है और मिलाम से धौली गंगा निकलती है। ये दो नदियों का जहाँ संगम होता है बच्चों यहाँ पर, इसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, यानी कि पंच प्रयाग हमारे यही सब स्थित हैं। देखिए पहला विष्णु प्रयाग यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा के कहाँ संगम पर, और इससे नीचे फिर इस नदी का नाम पड़ जाता है बच्चों, दो नदियां छोटी छोटी नदियां थी, इससे इसका नाम इससे नीचे पड़ गया, इसका पूरा यहाँ तक का नाम पड़ गया, इसमें अलकनंदा नाम पड़ गया है। अब ये अलकनंदा नदी बन गई, यहाँ से अलकनंदा के नीचे आते हैं तो यहाँ नंदा घूंघट से बच्चों नंदाकिनी एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं, और जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद फिर बाईं ओर से आते हैं तो यहाँ से फिर यहाँ एक पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है पिंडर, जो यहाँ आकर के अलकनंदा से मिलती है, ये अलकनंदा ही है पूरी शाखा, यहाँ तक अलकनंदा है बच्चों। तो अलकनंदा से जहाँ पर मिल रही है उसका नाम है कर्णप्रयाग, यानी कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, 3 प्रयाग आ गए हैं, तीनों प्रयाग जो है चमोली जिले में स्थित हैं बच्चों। उसके बाद फिर यहाँ आपका मंदरांचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से एक मंदाकिनी नदी निकलती है जो ये अलकनंदा नदी में मिलती है, तो जहाँ पर इसका संगम होता है रुद्रप्रयाग हमारा एक जिला भी है, तो मंदाकिनी नदी जहाँ निकलती है, इसी मंदाकिनी के किनारे पर हमारा आपका केदारनाथ मंदिर स्थित है, और यहाँ अलकनंदा के किनारे पर यहाँ पर आपका बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, तो ये प्रसिद्ध तीर्थ धाम है हमारे। उसके बाद बच्चों ये रुद्रप्रयाग से जब ये अलकनंदा नदी आगे निकली तो यहाँ आके ये भागीरथी में मिल गई, कहाँ पर मिल गई, देवप्रयाग में, ये अलकनंदा की धारा होगी ये भागीरथी की धारा, और यह आकर के देवप्रयाग में मिल गई, तो यहाँ से अब इसका नाम पड़ गया है गंगा, और यहाँ से हरिद्वार अक्सर बिजनौर होते हुए अब आगे हरिद्वार ये हमारा
उत्तराखंड का ही जिला है, और हरिद्वार से जाकर के बच्चे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने लग जाती है। अब मैदानी क्षेत्र से प्रवेश करती है तो आगे बढ़ते हुए ये कि हमारे उत्तराखंड, फिर यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर ये आपका उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, इतने राज्यों से होते हुए ये बहती है। ये इसका अपवाह तंत्र हो गया इतने राज्यों से बहते हुए। इसके बाद इसके कुछ सहायक नदियां हैं। अब सबसे बड़ी सहायक नदी पर अगर चलें तो बच्चों ये देखिए, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से बच्चों यमुना नदी निकलती है। ये यमुना नदी निकल रही है, इसके किनारे बहुत आपके शहर हैं, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, इस तरह के शहर हैं। फिर यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं बच्चों, जो इसमें मिलती है। यहाँ मध्य प्रदेश के इंदौर से एक नदी निकलती है, चंबल नदी, जो यहाँ कहाँ मिलती है, इटावा में मिलती है यमुना नदी से। फिर यहाँ भोपाल से एक नदी निकलती है जिसको हम बेतवा कहते हैं। ये बेतवा नदी यहाँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिलती है, इसका संगम यहाँ पर है। इसी बेतवा नदी के किनारे सांची स्थित है। आपने सांची का स्तूप पढ़ा होगा, वो सांची का स्तूप इसी नदी के किनारे पर, बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद बच्चों फिर आगे चलते हैं तो यहाँ जाकर के प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद नाम से जानते थे, अब प्रयागराज इसका नाम पड़ गया है, प्रयागराज में इस गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद बच्चों इसी में फिर नीचे से दक्षिण से, ये देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है, ऊपर की ओर आ रही है नदियां, ये तो यमुना के सहायक थी। एक इसमें दक्षिण से और मध्य प्रदेश की अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं सोन नदी। ये पटना के निकट मिलती है, पटना यानी कि बिहार के निकट ये सोन नदी मिलती है। अब देखिए ये सोन नदी और यमुना नदी के बीच में एक जल विभाजक के काम कर रही है, एक पहाड़ियां, इसको कहते हैं कैमूर की पहाड़ियां। ये दोनों जल विभाजक हमने पहले वाले, इससे पहले वाले भाग में ये छोटे छोटे शब्द पढ़े थे जल विभाजक, ये जल विभाजक का काम करती है कैमूर की पहाड़ियां, किस किस के बीच, सोन नदी और आपके यमुना नदी के बीच। अब उसके बाद बच्चों फिर ये गंगा नदी में मिलने वाली जो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर आके मिल रही थी। ये दक्षिण से देखिए यहाँ एक रामगंगा नदी मिलती है जो कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। इसके किनारे शहर भी लिखे हैं मैंने, कानपुर, जैसे कानपुर गंगा नदी के किनारे बसने वाला सबसे बड़ा शहर है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद फिर बच्चों ये घाघरा नदी निकलती है जो कहाँ, बक्सर में मिलती है। फिर गंडक नदी मिलती है और यहाँ कहाँ मिलती है, ये पटना में, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में मिलती है। उसके बाद कोसी नदी जिसको बिहार का सोग के नाम से भी जानते हैं, ये कटिहार यानी कि बिहार में ही मिलती है। ये कोसी, गंडक, घाघरा, ये सब नेपाल से आती है, ये तो नेपाल हिमालय से ये नदियाँ आती हैं। उसके बाद बच्चों एक नदी और है इसमें गोमती, ये गोमताल यानी कि पीलीभीत मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है एकमात्र, ये देखिए जो गंगा नदी में मिल रही है, ये पीलीभीत के गोमताल से निकलती है और आपके प्रयागराज के आसपास कहीं ये मिलती है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं बच्चों, इसमें एक नदी और मिलती है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकल करके दामोदर नदी मिलती है। दामोदर नदी यहाँ आगे मिलती है, इसको आगे चलाते हैं पहले। अब कटिहार से हम आगे चले बच्चों, पश्चिमी बंगाल में पहुंच गए। पश्चिमी बंगाल में एक स्थान है फरक्का। फरक्का से हमारी गंगा नदी के दो भाग हो गए, एक भाग तो सीधे दक्षिण की ओर चले गया और एक भाग चले गया यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल से आगे, कहाँ, ये आपके बांग्लादेश में स्थित प्रवेश कर गया है। तो जो नीचे पश्चिम की ओर गई बच्चों, ये गंगा की धारा, इसको कहते हैं हुगली। इसी हुगली नदी में एक दामोदर नदी मिलती है, यानी गंगा की शाखा ही है भी, तो ये छोटा नागपुर की पहाड़ी से मिलकर हुगली नदी में मिलती है। और दूसरी शाखा जो है बच्चों, ये भागीरथी के नाम से यहाँ से आगे से गई, फिर भागीरथी भी कहते हैं इसको यहाँ। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, तो इसको पद्मा कहने लग जाते हैं, इसका नाम क्या पड़ जाता है यहाँ, पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा है और हमारे देश में गंगा थी, और यहाँ पर जब दो भागों बढ़ गई तो यहाँ भागीरथी भी कहते हैं इसको। उसके बाद बच्चों फिर यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको यमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना अलग है, यमुना अलग नदी है, यमुना ये ब्रह्मपुत्र का नाम है, कहाँ, बांग्लादेश में है ये। और जहां पर पद्मा और ये यमुना मिलती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, इससे नीचे जब ये एक शाखा में बढ़ जाती है बच्चों, तो ये मेघना नाम पड़ जाता है इसका। क्या नाम पड़ जाता है बांग्लादेश में, मेघना। और मेघना के नाम से ये फिर यहाँ एक सुंदरवन डेल्टा, ना एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम सुंदरवन है। ये हुगली नदी भी इसी हुगली नदी, ये सब मिलके गंगा और ये गंगा, इनके मिलने से क्या बनता है, सुंदरवन डेल्टा बन जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे गंगा नदी का पूरा रास्ता बन गया, पूरा प्रवाह क्षेत्र हो गया, ये कितने क्षेत्रों में, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। इस तरह से आप देखिए गंगा की कुल लंबाई बच्चों, हमारी किताब के अनुसार कक्षा 9 की,
2500 किलोमीटर है, वैसे 2525 किलोमीटर अधिकतर जो है उसको लिखा हुआ दिखता है। और हमारे देश में जो गंगा की लंबाई है बच्चों, यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले 2071 किलोमीटर लगभग है। और ये प्रवाह क्रम में हमने बताया उत्तराखंड और आपका यहाँ उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर आपका बिहार और पश्चिम बंगाल, इन चार राज्यों से होकर के इसका प्रवाह क्षेत्र है। और 2008 में बच्चों इस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। इसके संरक्षण के लिए, गंगा नदी के संरक्षण के लिए बच्चों एक योजना चलाई गई जिसको हम नमामि गंगे योजना के नाम से जानते हैं, जो 2014 में शुरू की गई थी। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये आपकी गंगा नदी के बारे में पूरा विवरण है।